तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज रिगार्डिंग वेस्ट अफ्रीकन लोकल करेंसी। तो दोस्तों आज मैं आपको वेस्ट अफ्रीका की लोकल करेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कोई भी कंट्री में बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास उसकी लोकल करेंसी के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों वेस्ट अफ्रीका में जो करेंसी चलती है दैट इज द वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द सीफा। सो लोग यहाँ पे सीफा नाम से उस करेंसी को बुलाते हैं। और अगर इसको मैं कंसीडर करूँ इंडियन रुपीज में तो 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 7.5 सीफा। अब दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वेस्ट अफ्रीका की 8 कंट्रीज है जो कि बेनिन है, बुर्किना फासो है, टोगो है, माली है, नीजर है, सेनेगल है एंड गिनी बसाओ है। ये 8 कंट्रीज सेम करेंसी जो कि सीफा है वो यूज करती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप ये 8 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में अपने गुड्स बेच रहे हो या आप खरीद कर रहे हो या फिर आप कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो ये 8 कंट्रीज में, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपके बिजनेस को है। जहाँ पे आप ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो या कोई भी आपके बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसमें आपको कन्वर्जेशन रेट नहीं लगने वाला, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें तो दूसरी कंट्रीज में जब भी हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको वो कन्वर्जेशन रेट चार्ज करते हैं, वो चार्ज आपको बेयर करना होता है। बट दोस्तों यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में ये बहुत बड़ा एडिट एडवांटेज है फॉर योर बिजनेस। तो आप ज़रूर इस बात पे गौर फरमाइएगा, ज़रूर ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट अफ्रीका कितना ही आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है। दोस्तों अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ करेंसीज है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आपको भी उसका नॉलेज हो जाए। जब भी आप वेस्ट अफ्रीका में आओ आपको बहुत ही इजीली ये इंफॉर्मेशन समझ पाओ आप ये इंफॉर्मेशन को। सो यहाँ पे मेरे पास 10,000 सीफा है। सो 10,000 सीफा इज इक्वल्स टू 1,300 इंडियन रुपीज। दिस इज 5,000 सीफा, that is 650 Indian rupees. This is 2,000 sepa, so 2,000 sepa is 260 Indian rupees. This is 1,000 sepa and 1,000 sepa is 130 rupees. This is 500 sepa, so 500 is almost 65 Indian rupees. यहाँ पे मेरे पास कुछ coins भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है 25 sepa. आप देख सकते हो यहाँ पे 25 सीफा है। ये मेरे पास है दूसरा कॉइन जो कि 50 सीफा का है। यस, एक और कॉइन है मेरे पास जो कि 100 सीफा का है। आप देख सकते हो ये 100 सीफा है और ये कॉइन जो मेरे पास है वो 200 सीफा का है। सो दोस्तों मैंने आपको ये करेंसीज बताई आज मेरे वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी जब भी आप वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में अपना बिजनेस शुरू करो, जब भी आप यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे कनेक्टेड विथ अस। आई विल कैच यू सून विद अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग बिजनेस and regarding Africa. Thank you for watching this video. अगर आप अफ्रीका में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कंपनी सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस एक्सेलरेट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बिजनेस इन अफ्रीका प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे थ्रू अवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड राइट गाइडेंस टू टेक योर बिजनेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। Thank you.